सो गाइज मेरे पास आ चुका है ओप्पो F27 Pro Plus 5G और आज की इस वीडियो में मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला हूँ। देखेंगे कि कैसा ये स्मार्टफोन होने वाला है, कौन सी स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, पूरा का पूरा स्मार्टफोन आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखो गाइज यहाँ पे ना इसके बॉक्स के ऊपर ना कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि IP69 रेटिंग के साथ ये आता है, मतलब वाटरप्रूफ है। और गाइज इसमें आपको 3D कर्व एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 67 वोट की सुपर फास्ट फ्लैश चार्ज आपको देखने को मिलेगी और AI फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज क्या करते हैं, फटाफट से मैं ये पन्नी निकाल लेता हूँ और हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो पहले तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद गाइज हम इसको अनबॉक्स करेंगे। गाइज करते हैं बॉक्स ओपन, और मैंने किया बॉक्स ओपन। हो जा भाई, क्या कर रहा है हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ही बॉक्स में हमें मिल जाएगा हमारा स्मार्टफोन। मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको फिलहाल हम साइड में रख देते हैं गाइज, और देखते हैं और हमें बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बॉक्स में हमें मिलेगा एक केस, और ये काफ़ी सॉलिड क्वालिटी है भाई, मतलब काफ़ी तगड़ी क्वालिटी है। इसके ऊपर भी एक स्टिकर लगा हुआ है, मतलब काफ़ी सही क्वालिटी है यार इस केस की, मजबूत दिख रहा है। उसके बाद गाइज यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। एंड यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एंड गाइज यहाँ पे है एक USB A to USB Type-C केबल, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी मस्त लग रही है मुझे, इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमारा है चार्जर, जो कि 80 वोट का चार्जर है, बट यहाँ पे आपका जो स्मार्टफोन है 67 वोट को सपोर्ट करता है। तो गाइज ये तो हो गई सारी चीज़ें, सबसे पहले तो क्या करते हैं मैं इन सारी चीज़ों को साइड में रख देता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम अपना स्मार्टफोन देखते हैं भाई, स्मार्टफोन हमारा कैसा है। तो ये रहा हमारा स्मार्टफोन, मैं इसको निकालता हूँ बाहर, और ये भाई ओ निकालते हैं बाहर और देखते हैं कैसा स्मार्टफोन है हमारा। सो गाइज ये है हमारा ओप्पो F27 Pro Plus 5G, और भाई इसकी बैक अगर आप देखोगे तो वीगन लेदर की ये बैक है, और काफ़ी मतलब ऐसे लेदर सा फील हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेंटर में देखोगे ना तो ये कुछ अलग मटेरियल है। मैं एक बार देख लेता हूँ, मेटल तो नहीं है। एंड यहाँ पे हमारा कैमरा सेटअप, जहाँ पे हमें मेन कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। उसके बाद गाइज हमें यहाँ पे एक मैक्रो लेंस मिलेगा, जो कि 2 मेगापिक्सल का है। साइड में अगर आप देखोगे राइट साइड में यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलेगा, पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा। एंड लेफ्ट साइड में गाइज आपको पूरा का पूरा क्लीन मिलता है ये। और उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पे नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पे हमें स्पीकर मिलेगा, USB Type-C पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे हमारा डुअल नैनो सिम स्लॉट मिल जाता है। एंड ऊपर की साइड में हमें माइक दे के रखा है। फ्रंट साइड में है हमारा 6.7 इंचेस का एमुलेट डिस्प्ले, और गाइज यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो गाइज फटाफट से इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, तो इसको ओन करते हैं। तो गाइज ये है कुछ UI ओप्पो F27 Pro Plus 5G का, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल कुछ ऐप्स मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारी ऐप्स मुझे तो दिख रही है भाई, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ Spotify, AI Studio, Myntra और Snapchat, Netflix, Facebook, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप्स हैं, और यहाँ पे Finchel पे ये पता नहीं कौन सा ऐप है। तो गाइज़ यहाँ पे और भी काफ़ी सारी देखो बबल गेम्स हैं, तो ये कुछ ऐप्स इसमें पहले से इंस्टॉल मिलेगी, जैसे फ्रूट शूटिंग है, और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं। बाकी गाइज यहाँ पे डिस्प्ले तो मुझे काफ़ी सही सी लग रही है, अभी इसमें कुछ कंटेंट वगैरह तो नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है इसकी, और यहाँ पे मैंने इसमें अपना फिंगरप्रिंट भी लगाया है, तो मैं एक बार ना अनलॉक करके देखता हूँ। बाकी गाइज इसका जो फिंगरप्रिंट है वो थोड़ा सा ऊपर हो सकता था, बट कोई ना अनलॉक करके देखते हैं। हाँ अनलॉक तो हो गया भाई, एक बार और करके देखते हैं, अनलॉक तो हो रहा है। एंड इसके वॉलपेपर वगैरह भी चेंज हो रहे हैं, देखो जैसे मैं पावर ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो और यहाँ पे इसके वॉलपेपर्स वगैरह मैं आपको और दिखा देता हूँ, वॉलपेपर में चलते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे वॉलपेपर है, ये लाइव वॉलपेपर है, ये वाला अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कैसा इसमें एनिमेशन आता है। गाइज ये सेम वॉलपेपर जो है ना, ये मैंने OnePlus 12R में भी देखा है। देखो मैं अनलॉक करता हूँ, ये सेम वॉलपेपर देखो, वो जो एनिमेशन आ रहा है ये मैंने OnePlus 12R में भी देखा है। एंड गाइज ये आता है कलर OS के साथ, जो कि 14.0 एंड्रॉइड 14 पर ही बेस्ट है, और मेरे पास जो वेरियंट है 8GB प्लस 128GB वाला है। गाइज इसमें जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का Dimensity 7050 आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
एंड एंड्रॉयड वर्जन तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे ये एंड्रॉयड 14 पर बेस्ट है। और गाइज मैं आपको इसका कैमरा भी अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो कैमरा हम अभी चेक करेंगे। एंड गाइज इसमें मिलती है हमें 5000 mAh की बैटरी जो कि 80 वोल्ट चार्जर के साथ आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो 80 वोल्ट का चार्जिंग है इसके साथ, तो देखेंगे कि कितनी फास्ट ये चार्ज होने वाला है। तो गाइज अभी इस स्मार्टफोन से मैंने कुछ फोटोज खींची है, पोर्ट्रेट मोड में, नॉर्मल मोड में, सेल्फी और बैक कैमरे से। अभी देखो रात हो रही है और यहाँ पे लाइट वगैरह तो काफ़ी सही है, बट रात में ये नॉइस क्रिएट करता है। और मैंने दो चार फोटोज ही खींची हैं, बाकी इसका जो फुल कैमरा टेस्ट है वो आगे वीडियो में आएगा, एक दो दिन में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी कैमरा उतना भी ऐसा खराब नहीं है, अभी रात हो रही है, बाकी मैं इसको एक दो दिन यूज़ करूँगा कैमरे को, फिर उसके बाद इसका रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ। कैमरा मुझे काफ़ी मस्त लग रहा है, आप फोटोज़ देखना और बताना आपको कैसा लगा। गाइज ये था रिव्यू ओप्पो F27 Pro Plus 5G का। और गाइज ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, डिस्प्ले मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक सी तो लग रही है भाई, काफ़ी तगड़ी डिस्प्ले लग रही है मुझे इसकी, एंड बैक साइड भी काफ़ी सही है। तो देखेंगे इसको मैं स्मार्टफोन को यूज़ करूँगा 6-7 दिन, उसके बाद आपको इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कैसे ये परफॉर्म करता है सारी चीज़ें। मैंने इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं की है क्योंकि फ़िलहाल ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो आने वाली वीडियोस जो आएंगी इस स्मार्टफोन की आपको प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।